अभी तक विभाग द्वारा विद्यालय का भवन निर्माण कार्य नहीं हो सका है। जो है कहीं बस और हाल तो है नहीं, भवन है नहीं, इसको तो सब उठाए गाँव और मेलोनी कर सब तो गाँव और मेलोनी हमें तो अंधी मौत बहुत परेशान है। तो हमें नेता ना सब कई वाटे वेटिंग वाली नहीं है आया है हाँ अज ठायो कहीं नहीं हमें कहीं ठावे जन तो बस और आया है नहीं बहुत परेशानी। विद्यालय में दो शिक्षिका पदस्थापित है, वहीं बच्चों को सोच के लिए झाड़ियों में जाना पड़ रहा है जिससे उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बस आंधी झंकेर में बोर्ड वगैरह कई बार तो बस ऊपर गिर गए हैं, उसमें सोटे भी आई है, इसकी जिम्मेदार कौन है? ठीक है, कई बड़े बड़े नेता भी इधर आए, मीटिंग रखी है, हाल फिलहाल कोई स्कूल का कोई काम नहीं हुआ है, लाइट पानी भी सब समझ आए। वही अब पोखरण विधायक महंत प्रताप पुरी से विधानसभा की जनता को काफी उम्मीदें भी है। उनका शिक्षा के प्रति जागरूक करने का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। जब जन समस्याओं को लेकर पोखरण दौर पर थे तब भी सड़क पर कचरा बीनने वाली बालिका को देखकर गाड़ी रोककर शिक्षा के लिए प्रेरित किया और स्थानीय लोगों को उस बालिका को शिक्षा दिलाने की जिम्मेवारी भी दी। आगे से तू ये काम नहीं करेगी, मैंने बोला इनको पापा जब भी बोला है आप क्या करोगे, स्कूल जाओगे पढ़ाई, ठीक है, पर आपके कपड़े लाएंगे, आपके चप्पल भी लाएंगे, आपके नहीं आपके भैया के सबके लाएंगे, ठीक है। इसे कहते हैं दया के सागर, रोड पर चलते हुए देखो इनके परिवार में देना, पहले इसको चप्पल दिलाना, ये बच्चे ये इसके परिवार के सबके चप्पल जूते जो भी है आज ये 1000 रुपये है मामा साहब की तरफ से, ये इनको ला देना। मैं गिरिराज राजस्थान कवरेज टीम पोखरण से आपका स्वागत करते हैं। आईपीएस एसडीएम और कलेक्टर के सपने सजोकर बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं और जब बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी शिक्षा दी जाती है तो वो बच्चे आगे जाकर देश का नाम रोशन करते हैं। केंद्र और राज्य सरकार एक तरफ तो शिक्षा के लिए बड़े बड़े दावे करती आ रही है परंतु वो दावे लगातार खोखले होते जा रहे हैं। जहां पर ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर अगर बात करें तो जहां बच्चे राजस्थान की इस 45 डिग्री की थर्ड डिग्री गर्मी के अंदर राजकीय प्राथमिक विद्यालय फलसूण के गणेशपुरा का जो विद्यालय है वहां पर एक झोपड़पट्टी के अंदर बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जब स्थानीय लोगों से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमने स्थानीय जनप्रतिनिधियों मंत्री कैबिनेट मंत्री विधायक को भी अवगत करवाया, वोटों के समय पूरे वादे किए जाते हैं परंतु उन वादों को धरातल पर लाने के लिए कोई भी आगे नहीं आता है। इसको लेकर भी एक छोटा सा वीडियो पोखरण विधायक महंत प्रतापपुरी का भी वायरल हुआ जहां पर एक कचरा बीनने की जो एक छोटी सी बच्ची थी उनको जब देखा तो विधायक महंत प्रतापपुरी ने गाड़ी रोककर स्थानीय जो लोग हैं उसको शिक्षा देने के लिए उनको जागरूक किया। इसके बाद लगातार जो ये झोपड़पट्टी का जो ये वीडियो आ रहा है उसमें लगातार ये देखा जा रहा है कि बच्चे हैं जो एक झोपड़पट्टी के अंदर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अब सवाल ये आ रहा है कि राजस्थान सरकार की योजनाएं केंद्र सरकार की योजनाएं ये जो गणेशपुरा का जो प्राथमिक विद्यालय यहां तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है, इतना बजट आ रहा है इतनी योजनाएं आ रही है फिर भी इन बच्चों को लेकर किसी भी तरीके की कोई योजना स्थानीय जो अधिकारी है जो जनप्रतिनिधि है वो नहीं पहुंचा पा रहे। सहयोगी कैमरामैन के साथ मैं गिरिराज छंगानी, राजस्थान कवरेज पोखरण। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।